जाने कब है जितिया, व्रत के दौरान इन बातों का रखे ध्यान, वरना भगवान हो सकते हैं आपसे रुष्ट। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जितिया का व्रत हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। इस बार अश्विन महीने की अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर शुरू होगी और 25 सितंबर को 12:10 पर समाप्त होगी। इसलिए जीवित पुत्रिका का ये व्रत 25 सितंबर को किया जाएगा। ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता प्रचलित है कि इस व्रत को करने से बच्चे तेजस्वी और ओजस्वी होते हैं। जितिया का ये पर्व 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाय खाय का होता है, दूसरा दिन निर्जला उपवास होता है और तीसरे दिन पारण। 3 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में व्रती को कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मान्यताओं के मुताबिक यदि इस दौरान किसी तरह की चूक होती है, व्रत का फल नहीं मिल पाता। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया के व्रत के दौरान हमें किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि व्रत का फल आपको प्राप्त हो सके। जितिया की शुरुआत नहाय खाय से होती है। नहाय खाय के दिन लहसुन प्याज वाले भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन स्नान के बाद भगवान जिमूत वाहन की महिलाएं विधि पूर्वक उपासना करती हैं और फिर भोजन करती हैं। पूजा के दौरान सरसों और खली जरूर चढ़ाएं। पूजा के चढ़ाए गए सरसों के तेल को पारण के बाद अपने बच्चों को लगा सकते हैं। ये भगवान का प्रसाद माना जाता है। नहाए खाए के अगले दिन निर्जला व्रत करने की परंपरा है। इस दौरान महिलाओं को तामसिक भोजन या मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। कई महिलाएं जितिया का व्रत फल और जल ग्रहण के साथ करती हैं, तो कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। हालांकि जितिया में निर्जला व्रत का ही महत्व है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इस संबंध में अपने किसी बड़े या संबंधित पंडित या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। इस दिन फल और सब्जी को भी काटने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान या भगवान की पूजा के दौरान कभी किसी के लिए अपने मन में गलत ख्याल नहीं लाना चाहिए, ना ही किसी के बुरे की कामना करनी चाहिए। इस दौरान मन को शांत रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा करने से भी बचें। किसी से बातचीत के दौरान भूल कर भी अपशब्द का इस्तेमाल ना करें और ब्रह्मचर्यों का पालन करें। इसके अलावा नहाय खाय के दिन नोनी के साग और मरुआ की रोटी खाने की परंपरा है। दरअसल नोनी के साग में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। मरुआ की रोटी भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। इससे महिलाओं को व्रत के दिन पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि जो माँ अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती है, उनके संतान बुरी नज़र से दूर रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हमने जो भी जानकारी दी, ये मीडिया खबरों के मुताबिक थी। इस जानकारी के जरिए हम किसी तरह के दावे नहीं करते हैं। कई जगहों पर उस क्षेत्र के हिसाब से भी कुछ नियम और रीति रिवाज हो सकते हैं, इसलिए इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप भी जितिया व्रत कर रहे हैं? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएँ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।